हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है गाइस, वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, मींस डे बोर्डिंग। डे बोर्डिंग का आप काम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज उसमें देंगे और किस तरीके से बजट वे में आप डे बोर्डिंग का काम कर सकते हैं, आज की वीडियो में वही डिस्कशन होने वाली है। इससे पहले जो वीडियोस मैं लाई हूँ, प्ले स्कूल खोलने के रिगार्डिंग लाई हूँ। अगर आप इसके साथ ही डे बोर्डिंग रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपके जो बिजनेस को और ग्रोथ होने के चांसेस डे बोर्डिंग से मिल जाते हैं। जी हाँ, इसके बहुत सारे रीजन हैं। सिर्फ आप डे बोर्डिंग भी नहीं रखना चाहते हैं, प्ले स्कूल नहीं रखना चाहते, तो आप डे बोर्डिंग का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो दिल्ली साइड बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ डे बोर्डिंग पे खुले हैं। मीन्स इतना अच्छा काम है डे बोर्डिंग का, लेकिन इसे आप प्ले स्कूल के साथ ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका बेनिफिट मिल जाता है। मीन्स स्कूल में पेरेंट्स तो आते ही हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा एक फैसिलिटीज हो जाती है। अब मैं बात करूंगी जो डे बोर्डिंग की जो फैसिलिटीज होती हैं वो किस तरीके से बेनिफिट्स होती है पेरेंट्स के लिए, और जो पेरेंट्स होते हैं वो डे बोर्डिंग क्यों फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे गाइस। मैं बहुत सारी वीडियोस ला चुकी हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप अपना स्कूल का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डू चेक दैट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डे बोर्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आज की जो लाइफस्टाइल है आप देख रहे होंगे, जिसमें मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, तो बच्चों की देखरेख के लिए, बच्चों की केयर करने के लिए पेरेंट्स ऐसा ट्रस्टवर्दी जगह ढूंढ रहे होते हैं जिस पर वो बिल्कुल आंख बंद करके अपने बच्चों को छोड़ पाएं। तो जो प्ले स्कूल है डे बोर्डिंग में है, बहुत से डिफरेंस है। क्योंकि डे बोर्डिंग, डे केयर नाम से ही है, केयर डे में बच्चों की क्या क्या केयर होती है, किस तरीके से उसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे, घर जैसा एनवायरनमेंट दे, तो क्या क्या बातों का आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है मैं ये वीडियो टू पार्ट्स में लेके आऊँ, क्योंकि डे बोर्डिंग जो है एक अलग से बिजनेस ही आप लगा लो, जिसे आप प्ले स्कूल के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, और वो टिप्स है कि डे बोर्डिंग में आप पेरेंट्स इसलिए डालता है कि जो बच्चों की केयर हो पाए, बच्चों की स्टडीज हो पाए, बच्चों का होमवर्क हो पाए। तो बच्चों की ज़रूरत को ध्यान रखते हुए और पेरेंट्स की नीड्स को ध्यान रखते हुए, किसी किसे वो बच्चों को हर चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास टाइम नहीं हो पाता ड्यू टू वो ऑफिस वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि घर आके उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों की देख रेख कर पाएँ या फिर बच्चों की केयर कर पाएँ। तो इसलिए वो डे बोर्डिंग ऑप्ट कर रहे होते हैं और एक अच्छा ट्रस्टवर्दी डे बोर्डिंग देख रहे होते हैं। तो डे बोर्डिंग एक बहुत ही अच्छा और रिनाउंड और फेमस और आगे बढ़ने वाला काम है। मैं आइए बात कर लेते हैं डे बोर्डिंग के अंदर हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर वन है कि टाइम, डे बोर्डिंग का टाइम क्या होगा। मीन्स डे बोर्डिंग आपके स्कूलों में किस टाइम से किस टाइम तक रहेगी, पहले आप ये डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो प्ले स्कूल के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे 9 o'clock आपका स्कूल खुल जाता है, 12:30 तक आपका स्कूल है, 12 o'clock तक आपका स्कूल होता है, तो ये तो रहे आपके स्कूल टाइमिंग। उसके बाद जो टाइमिंग रहेंगे वो आपके डे बोर्डिंग की रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप 6 o'clock तक रखें इवनिंग तक या 7 o'clock तक रखें, इट्स अप टू यू है। आप 8 o'clock घर से काम कर रहे हैं तो कोई भी टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ऐसा नहीं होता है सिर्फ 7 बजे तक ही फ्री होते हैं, कोई 8 बजे भी होता है, कोई इससे भी लेट होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइम तक लास्ट तक मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो स्कूल टाइमिंग होते हैं वो 7 o'clock ही होते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि मेरे पास इस पर कमेंट्स आने वाले हैं कि हम डे बोर्डिंग का टाइम कब तक रखें, क्या लास्ट टाइमिंग होगा, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, पहले आप टाइम डिसाइड कीजिए। सेकंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपने टाइम डिसाइड कर लिया, उसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि आप 9 o'clock से ही स्टार्ट कर सकते हैं डे बोर्डिंग। कोई ज्यादा बच्चे ऐसे आते हैं जो 9 to 12 आपका स्कूल का टाइमिंग रहेंगे और बाद में वो फुल टाइम डे बोर्डिंग का टाइम लेते हैं, तो मीन्स उनका टाइम क्या हो गया 9 to 6:30 या 7 o'clock, जो भी आप इवनिंग में टाइम डिसाइड करेंगे। तो आप कंप्लीट 9 o'clock से भी डे बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये तो रही टाइमिंग की बात, तो मैंने दोनों तरीके से पॉइंट डिस्कस कर दिया कि क्या टाइम में आप रखेंगे वो आपके ऊपर है।
आपके पेरेंट्स के ऊपर है, जो जितने पेरेंट्स आपके पास आएंगे उनका जो स्टार्टिंग टाइम किस टाइम होता है। कई बार होता है पेरेंट्स बोलते हैं मैम हम 8 बजे ही निकल जाते हैं घर से, तो 8 o'clock आप अवेलेबल करा सकते हैं स्टाफ से, तो वो आपके ऊपर है। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 9 o'clock ही शार्प टाइमिंग रखा था, और इससे पहले मैं अरेंज नहीं करवा सकती थी, तो मैंने साफ ही कह दिया था कि 9 to 6:30 मेरा जो है डे बोर्डिंग का टाइम रहेगा। तो इस टाइम इसके बीच में आप कभी भी छोड़ सकते हैं। कुछ टाइमिंग भी डे बोर्डिंग इस तरीके से भी आएंगे, जैसे हायर क्लासेस के भी आपके पास आएंगे, लाइक थर्ड फोर्थ मींस आपके जो स्कूल में क्लासेस नहीं है UKG तक है, उसके बाद जैसे फर्स्ट सेकंड के, तो उनके साथ आप किस तरीके से करेंगे डिसाइड, आइए बात कर लेते हैं। बच्चा आपके पास 1 o'clock आ रहा है तो उसका टाइमिंग क्या हो गया, 1 to 6:30 हो गया। अब आप कहेंगे मैम इसमें चार्जेस हम किस हिसाब से लेंगे, तो जो भी अमाउंट ले रहे हैं उसका हाफ नहीं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से उनका टाइम के हिसाब से आप उनके चार्जेस डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज डे बोर्डिंग में होती है। डे बोर्डिंग में फैसिलिटीज होती हैं गाइस, वो होती है उनकी ईटिंग के लिए, उनके लंच टाइम हो, उनका स्नैक्स का हो, उनकी स्टडीज का हो, उनके गेम्स का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं आधे से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स घर वालों के साथ तो उनको टाइम करने का नहीं मिल पाता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें। मीन्स यू ने एक ज़्यादा स्ट्रिक्टली कर लें, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दें, तो बच्चा इतना डर के सहमा वो रह भी नहीं पाएगा। तो मीन्स उन्हें बिल्कुल फैमिली की तरह ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपके साथ बच्चे रह रहे हैं, काफ़ी टाइम तक आपके साथ ही रहेंगे। और जो बच्चे लाइक बोलने वाले होते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 2+ के बच्चे भी कई बार डे बोर्डिंग के होते हैं वो इतनी बात नहीं कह पाते, मीन्स जो थर्ड सेकंड वाले होते हैं वो घर जाके भी आपके जो वर्क का फीडबैक देते हैं। तो बी अश्योर आपके पास अच्छे स्टाफ हो, उनको फ्रेंडली बिहेवियर कराएं, उन्हें अच्छे प्यार से बोलें, अच्छे प्यार से पैम्पर करें और घर जैसी फीलिंग ही दें उन्हें। इन्हें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मत रखिए, कई बार बच्चों का होता है, कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है। इस तरीके से आप जो है टाइमिंग का डिसाइड करेंगे किस तरीके से बच्चों को रखना है और क्या क्या फैसिलिटी देनी है। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के बारे में जो आप डे बोर्डिंग में देंगे। सबसे नंबर 1 है लंच की फैसिलिटी। जैसे स्कूल से बच्चा आपके पास आता है तो आपके पास लंच की फैसिलिटी हो, देन आपके पास एक नैप एरिया हो, नैप रूम हो। नैप रूम में इस बच्चा जैसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा 1 आवर के लिए, तो इतना इस तरीके से आप बच्चे को नैप एरिया, एक नैप रूम अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें कई बार बच्चा थोड़ा बीमार होता है तो उसको रेस्ट कराया जाता है, और डेली बेसिस पे भी बच्चों को थोड़ा रेस्टिंग रूम अवेलेबल होना चाहिए। तो आप रेस्टिंग रूम में अवेलेबल कराएंगे, फिर बच्चे के उठने के बाद बच्चों का स्नैक्स टाइम होता है, तो स्नैक्स टाइम में आप बच्चों की जैसे जो मिल्क हो गया, कोई कॉफ़ी लेता है या कोई शेक लेता है तो उसकी फैसिलिटीज़ हो। मैं स्नैक्स टाइम में आप कुछ कुछ टोस्ट बना दें, कभी कुछ रखें। तो आज थोड़े जो मेन मेन पॉइंट में डिस्कस करूँगी, थोड़ा डीपली हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप किस तरीके से इनको मैनेज करें। देन आप स्टडी के लिए इनको अरेंज कराएंगे, जैसे बच्चों के टेस्ट होते हैं, जो बच्चे स्कूल से सीधा आपके पास आ रहे हैं या फिर आपके स्कूल के ही जो बच्चे हैं जो मॉर्निंग से इवनिंग तक रहते हैं, तो उनका जो टेस्ट है नेक्स्ट डे क्या होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी हाँ, डे बोर्डिंग में जो भी बच्चा रहता है उसकी स्टडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डे बोर्डिंग की ही होती है, जो डे बोर्डिंग इंचार्ज है। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि जो बच्चा होता है वो 7 o'clock तक आपके पास रहता है, तो उसके बाद जो होती है जो स्टडीज़ वगैरह की जिम्मेवारी जो होती है वो डे बोर्डिंग वालों की ही होती है। तो आप प्रॉपर एक अच्छी स्टडी उनको कराएं, अच्छे ट्यूटर हायर करें कि उन बच्चों को अच्छी स्टडीज़ करवाएं। तो ये सारी बातों का आपको डिस्कस कराना है। देन आपको कुछ एक फन में कुछ कराना है, आप गेम्स करा सकते हैं लास्ट में कि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉयमेंट लगे, ठीक है। तो खाली सिर्फ स्ट्रिक्टली जैसे हॉस्टल में होता है बिल्कुल पैक करके मत रख देना बच्चों को, मतलब में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं इतना स्ट्रिक्टली हमें बच्चों के साथ काम नहीं करना होता, कोई बच्चे हमारे छोटे ही होते हैं, तो इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर पाए डे बोर्डिंग बहुत ही अच्छा है। मीन्स आपने सब चीज़ें करा ली, आपने लंच करा लिया, स्टडीज करवा ली, स्नैक्स दे दिया, देन बच्चों को गेम्स वगैरह करा दिए, तो ये सारी फैसिलिटीज आप करवाएंगे और रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो हो रहे हैं और प्लस जो है वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है। पर कई बार क्या होता है ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है तो बच्चों के लिए वो भी हाइजीन नहीं होता, तो आप बैलेंस करके सिचुएशन को रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो मैं शॉर्ट वीडियो इतना ही बता पाऊंगी कि क्या क्या है, आगे की वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थोड़े डेप्थ में जाएंगे कि इन फैसिलिटीज़ को और आप किस तरीके से करा सकते हैं। तो आज मैंने बात करी है फैसिलिटीज़ एंड टाइम के बारे में और किस तरीके का एनवायरनमेंट आप डे बोर्डिंग में क्रिएट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, डे बोर्डिंग में आप कौन कौन से टॉपिक्स और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी।
होप गाइज आपको वीडियो ये अच्छी लगी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।